हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जील एंटरटेनमेंट और भी कुछ स्टॉक्स हम लोग लेंगे रैंडमली। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है फर्दर वीडियोज़ बनाने के लिए। सो गाइस, अगर आप देखिए तो जील में हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये अपना ये जो एरिया, इसका जो यहाँ पर आपको सपोर्ट का दिख रहा है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सो मैं यहाँ से इसको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। और अगर आप देखिए तो गाइस, ये जो हमारी लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, ये अगर आप देखिए तो ये यहाँ पे सपोर्ट बनी थी, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया था इसने, और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट का काम किया था। सो दो बार इसका सपोर्ट हुआ था, और तीसरी बार में यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया। तो गाइस, कभी भी जो फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले तब तो ठीक है, लेकिन दोबारा सपोर्ट ले तो थोड़ा सा उसमें आप देखिए वीकनेस है कि नहीं है, और फिर तीसरी टाइम अगर सपोर्ट करता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ब्रेक डाउन कर जाए नीचे की तरफ। सो यहाँ पे भी वही सिनेरियो हमें देखने को मिला, ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पर स्टॉक नीचे गया, और फिर जो ये इसका यहाँ पे सपोर्ट ये जो ले रहा था दो बार, यहाँ पे अब ये इसके ऊपर जाता, अगर ऊपर जाके रुकता और फिर यहाँ से मोमेंटम करता तो हमको ये एक अप ट्रेंड मिल गया था। लेकिन गाइस, अगर आप देखिए तो ये ऊपर गया और इसको इसने रिस्पेक्ट करके नीचे आया। अब नीचे आने के बाद अगेन यहाँ पर हमें एक सपोर्ट, ये वाला जो एरिया आप देखिए, सो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो ये वाला हमारा सपोर्ट जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया था, इसी के पैरेलल में इसने यहाँ पे भी फॉर्मेशन किया, और अगेन हमको एक मोमेंटम देखने को मिला, ये वाला मोमेंटम। और अगेन इस जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस था गाइस, वो ब्रेक नहीं हो पाया। तो अब ये जब तक नहीं ब्रेक होता तब तक आपको एक अच्छी मोमेंटम नहीं मिलने वाली किसी भी केस में, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये एरिया इसका यही रेंग रहा है। तो ये जब टूटेगा, जब ये ऊपर का लेवल टूटेगा, जो कि इसका ऊपर का लेवल है 223 है गाइस, तो 223 के ऊपर ये जाके क्लोजिंग दे और सस्टेन करे, तब अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो 250 का मिलेगा, ये वाला जो आप पीक देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा ऑलमोस्ट आपका ये वाला, ये दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे 300 का। सो अभी तक के लिए आप इसको जो है 250 के अबव आप अपना टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमें बायर्स देखने को मिले, इतना लंबा बायर आया, फिर यहाँ पे हमको थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, और फिर अगेन हमको यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। सो इससे ये पता लग रहा है गाइस, सेम आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो है बायर्स स्ट्रांग है, और सेलर अगर आप देखेंगे तो सेलर बहुत ही ना के बराबर है, और सेलर एक तरीके से कमज़ोर पड़ रहे हैं स्टॉक को नीचे ले जाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जील जो है वो अगर एक बार 223 के लेवल को अगर ऊपर जाके क्रॉस करता है और क्लोजिंग देता है तो बहुत ही अच्छे मोमेंटम इसमें आ सकते हैं। सो गाइस, अगला स्टॉक हम लोग लेने वाले हैं इंडसइंड बैंक को। तो इंडसइंड बैंक में अगर आप देखिए तो 556 पे आज ये क्लोजिंग दिया है, और ये जो है ये स्टॉक आज ऑलमोस्ट 7% मोर देन 7% जो है इसने अपनी बढ़ोतरी दी थी। तो अगर हम इसका देखें तो बहुत ही अच्छे मोमेंटम इसने आज दिए, काफ़ी बड़ी कैंडल इसने फॉर्म की है, और अगर हम इसका रेजिस्टेंस एरिया देखेंगे गाइस, तो हमारा रेजिस्टेंस ये वाला पॉइंट अगर देखिए, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया फिर साइडवेज जाने के बाद फिर ऊपर गया, बट इसका जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट हमें ब्रेक होते हुए नहीं दिखा और अगेन ये फॉल कर गया। सो हम इसी को लेके चलेंगे, ये हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है। सो हम यहाँ पे इसको फॉर्म कर दिए हैं। तो गाइस, अब अगर आप देखिए तो इसको पहली बात तो थोड़ा कल आप थोड़ा सा वेट करिए, अगर ये कल मे बी 560 के ऊपर अगर ये ओपनिंग देता है या 560 के नियर अबाउट भी दे दिया ओपनिंग, तो ये हमारा तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा गाइस, जो हमारे मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर अगर समेरे राउंड अगर स्टॉक खुलता है तो हमें बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिलेंगे विद इन जो डे का पीरियड रहेगा, उसमें आपको थोड़ा सा मीन्स कंसोलिडेशन दोनों साइड का देखने को मिलेगा, बट ये जो है अपना 556 नहीं आना चाहिए इसको वापस, अगर ये कल गैप अप ओपनिंग कर दिया या थोड़ा सा भी अच्छा चला गया तो ये जो है 556 नहीं आएगा दोबारा।
और इसके ऊपर के लेवल्स अगर आप देखेंगे तो ये जो 600 के लेवल्स हैं ये ऑलमोस्ट आपको जो है एक या दो दिन के अंदर ईजिली मिल जाएंगे 600 वाले लेवल्स। और अगर हम इसकी बात करें तो जो 600 के ऊपर अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो 640 तक आप जा सकते हैं। 640 एक राउंड नंबर है और ईजिली ये टारगेट्स आप तक पहुँच पाएंगे। और अगर हम बात करें तो इसने अपना हाई जो है वो बहुत ज़्यादा बनाया था, ऑलमोस्ट 707 का बनाया था। सो काफ़ी अच्छा इसने हाई बनाया था और ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है गाइस की अगर ये अपना जो है ये वाला एरिया अगर क्रॉस कर जाए 640 का, सो 640 अगर ये एरिया गाइस क्रॉस कर जाए तो हमारा ये वाला एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर अगर चला गया स्टॉक तब इसको ईज़िली ये जो अपना जो भी हाई बनाया है 707 का वो ईज़िली तोड़ सकता है, क्योंकि जब भी निफ्टी बैंक अगर परफॉर्म किया तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम आपको इंडसइंड बैंक में ही देखने को मिलेगी। चाहे तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज अगर हम लोग अदानी ग्रीन के बारे में बात करें तो अदानी ग्रीन में मैंने आपको बताया था इस एरिया में 664 में लाखों करोड़ों शेयर्स की बल्क में बाइंग हुई थी। तो वो जो कंपनी यहाँ पे बाइंग की है गाइज उसको कुछ अभी भी पॉजिटिव चीज़ें लग रही हैं, तभी उसने इस कंपनी को एट इस पॉइंट पे बाय किया है। ऑलमोस्ट हाई पे इसने बाय किया था बट ये आज देखिए तो 680 पे आज अपनी क्लोजिंग दिया है और इसका नया हाई बहुत ही जल्द आने वाला है। क्योंकि गाइज अगर आप देखिए तो ये जो मोमेंटम है जो जिसने भी बल्क बाइंग इस पॉइंट पे किया उसको ये वाला प्राइस भी एक समय पे मिल रहा था। बट यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि ये हमारा ये तो पीक आ गया, अब यहाँ पे बाय करके हमको कितना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता गाइज, कभी भी अगर आप देखिए तो कोई भी स्टॉक अगर मोमेंटम में चलता है तो वो बहुत अपना डेली पे डेली हाई बनाता चलता है, हाई बना सकता है गाइज वो। क्योंकि अगर आप देखिए तो ये 2019 में मैं अगर आपको दिखाऊं तो 250 के अराउंड था सितंबर के महीने में 2019 में, 2020 है हमारा और ये एरिया है सितंबर 2019 है ये। सो 2019 में अगर आप देखिए तो हमें यहाँ पे देखने को मिले कि 50 पे स्टॉक टहल रहा था समेर अराउंड इस एरिया में। और इसने ऑलमोस्ट जब 100 का एरिया बनाया तो बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो वो हो गया, मतलब यहाँ पे इसका पीक बन गया, अब यहाँ से गिर जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, कभी भी अगर इतनी अच्छी मोमेंटम आती है तो उसके पीछे का उसमें आपको समझ जाना चाहिए कि कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जो ग्रोथ दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे फिर से देखेंगे तो अगेन जब भी स्टॉक को जो है 100 से 200 जाने में कितने फेजेस लगे हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे 100 था ऑलमोस्ट दिसंबर से लेके यहाँ तक आप ले लीजिए इस फरवरी, तो दिसंबर का एक महीना गाइस और हमें जनवरी और फरवरी तीन महीने में यह 100 से 200 पहुँच गया। तो ये चीज़ सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप समय अराउंड अगर इसको लिए होते यहाँ पे अगर आप लिए होते 32-37 पे अगर आप लिए होते तब भी आपको बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलता, आपका इतना महीना जो है वो खाता ही पैसा ट्रैप करके रखता। तो कभी भी गाइज आपको अच्छी मोमेंटम अगर किसी स्टॉक में मिलती है तो आप उसके पीछे रिसर्च करिए कि मतलब कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो कंपनी मतलब डेवलप तो नहीं कर रही। तो ये अगर आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो उसमें एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप र्यूमर्स के ऊपर बाय करेंगे मीन्स न्यूज़ के ऊपर अगर आप बाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ख़तरा हो सकता है, क्योंकि जो भी न्यूज़ आती है न्यूज़ के पहले बाय करना चाहिए आपको। एग्जैक्टली अगर अफवाह चल रही है कि ऐसा हो सकता है तब अगर आप वहाँ बाय करेंगे तो आप उस पॉइंट पे पहले नंबर पे रहेंगे, बायर्स में पहले नंबर पे रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप न्यूज़ आती है और उसको मीन्स ख़रीद लेते हैं तो मे बी वो मोमेंटम कुछ ही दिन बाद जो है वो चला जाएगा, या फिर से जैसे हम फ्यूचर रिटेलर को ही लेके चलें तो 160 तक का इसने हाई बनाया बट अभी ये घिस रहा है 100 रुपये के नीचे, तो क्या मतलब हुआ है ऐसे न्यूज़ का। तो कभी भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मत करिए, और अगर आपको करना है तो र्यूमर्स के ऊपर बाय करिए और फिर उस पर सेल करिए, न्यूज़ के ऊपर सेल करिए। तो ये सारी चीज़ें गाइस आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।